अच्छा बेटे, आप मुझे बताइएगा कि हम लोग कहाँ से कर रहे थे। अच्छा मतलब क्या चैप्टर शुरू किया था, मुझे बताइए। लास्ट टाइम हेलो। जैनब आजम बेटे, लास्ट टाइम क्या चैप्टर कर रहे थे, कौन सा टॉपिक था, मुझे बताएं प्लीज। आवाज आ रही है बेटे मेरी आपको? तो नहीं आ रही है आजम साहब, तो समझ में नहीं आ रहा है। सही है था जैनब, बेटा मेरी आवाज अगर आप लोगों को आ रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिए टॉपिक लास्ट टाइम क्या करवाया था, मैं कैसे करवाऊंगा। हेलो हेलो,
जैनब तुम्हें आवाज आ रही है बेटा मेरी? बेटे अगर आपको आवाज आ रही है तो एटलीस्ट मैसेज कर दीजिए, चैट कर दीजिए, या वॉइस अपना माइक ऑन करके बोल दीजिए। मैं क्लास स्टार्ट कैसे करूंगा? बेटे अपने माइक ऑन कर लीजिए या फिर चैट कर दीजिए ताकि मुझे समझ तो आए आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। मैं कैसे स्टार्ट करूं मुझे बताइए। एक मैसेज आया इसके। और शुक्र है बेटा कि आपने आंसर दे दिया। यू कैन हियर मी। अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि लास्ट टाइम क्या टॉपिक था या क्या चैप्टर था ताकि मैं उसे कंटिन्यू कर पाऊँ। साहिबा बेटा लास्ट टाइम क्या करवाया था मुझे टॉपिक याद नहीं रहता बेटे, मुझे देखकर बता दीजिए लास्ट टाइम क्या लिखा था ताकि मैं कंटिन्यू कर लूं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किंगडम प्रोटेस्ट शुरू किया था? हाँ। किंगडम प्रोटेस्ट में टॉपिक कुछ किया था या सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा था? Thank you.
मैसेज तो किया आप लोगों ने। अच्छा मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखवाया होगा ना सर। चलो शुरू करते हैं। ठीक, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मतलब मुझे ये तो बताइए कि करवाया क्या था, बिना मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा कैसे, आप खुद बताइए। चलिए देख, किंगडम प्रोटेक्ट सिस्टम में बेसिकली तीन टॉपिक्स होते हैं, एक होता है एलजी, एक होता है फंजाई, सॉरी एक होता है एलजी, एक होता है प्रिमिटिव फंजाई और एक होता है प्रोटोजोआ। सो हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोटोजोआ। मैं जरा एक मिनट के लिए इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ ताकि ये बीच में आ रहा है लिखा हुआ या ना। ओके फाइलम अच्छा जी, पहले प्रोटोजोआ हमारे पास एक ऐसा फाइलम है जो यूनिसेल्यूलर लिविंग्स के ऊपर कंसिस्ट है। ये वो सारे लिविंग्स हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक मल्टी सेल्यूलर एनिमल से मिलती जुलती है। अब जैसे शुरू करते हैं, पर they are unicellular microscopic organism their cell maybe naked or covered with a layer of pellucid पैलिकल कह लीजिए इसको। नेकेड होंगे या तो पूरे सेल्स, मतलब उनके ऊपर कोई कवर नहीं होगा, या फिर कवर एक लेयर सी हो सकती है प्रोटीन की। देयर मे बी सॉलिटरी और colonial nutrition is holozoic digestion is intracellular and take place by the help of
food. Thank you. Respiration. Take place. Maybe means of diffusion. Excretion. अच्छा food vacuole तो भी याद होगा जब हमने nutrition of amoeba किया था उसमें भी जो ejection का work था वो एक vacuole के जरिए होता था उसको हम कहते थे contractile vacuole. Food vacuole वो होता है जिसके अंदर food का digestion का process हो यानी enzymes present होते हैं. Excretion and osmoregulation take place by means of contractile vacuole. Locomotion, take place by cetopodia or flagella. Or cilia, or they maybe sessile. Most of them are free living. अच्छा ससाइल मतलब हरकत ना करने वाले free living जो ससाइल हैं जो मोटाइल हैं उनमें ज्यादातर free living कुछ ऐसे हैं जो parasitic while few are parasitic. अच्छा क्लासेस अब इनकी सबसे पहली क्लास है क्लास राइजोपोडा. इसे हम क्लास सार्कोडीना भी कहते हैं. इस क्लास के हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव है. हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव. अच्छा वो रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो सबसे फेमस है. अब जैसे इस क्लास का सबसे फेमस लिविंग है अमीबा. अमीबा इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास ऐसा होता है. इरेगुलर शेप
न्यूक्लियस है। डाइजेशन जब हमने पढ़ा था तब तो आपने इसके ऊपर डिस्कशन की। रिप्रेजेंटेटिव दिस क्लास देयर बॉडी शेप इज इनडिफाइनेट, क्योंकि बॉडी की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं। लोकोमोशन टेक प्लेस बाय सी टू पुट their cytoplasm is divided into outer ectoplasm जो बाहर की तरफ होगा और जो न्यूक्लियस के अंदर होगा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। एग्जांपल में आप ले सकते हैं अमीबा, एक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है फाउंड इन फ्रेश वाटर, अंट अमीबा एंडोपैरासाइट एंड इट्स कॉज डिजीज कॉज करता है क्योंकि पैरासाइट ब्लड डिसेंट्री। आपको याद होगा जब हमने अभी जीआईटी डिसऑर्डर लिखे थे तो उसमें डिजीज भी लिखी थी ब्लड डिसेंट्री। रेडियोलेरिया बहुत फेमस लिविंग है, रेडियो लेरिया एंड ग्लोबिगाना, ये दोनों सी वाटर में होते हैं और समंदर में डीकंपोजिशन करने का काम करते। देयर सेल इज कवर्ड बाय shell they indicate deposition of petroleum uski deposition ko show kar। तो समंदर में जब कोई जाता है ना पेट्रोल वेटर ढूंढने के लिए तो वहां पे जो है उसको तलाश होती है इनकी। क्लास फ्लैजेलेट मैस्टिगोफोरा
अब इसकी शेप जो है वो डिफाइनेबल है क्योंकि प्रॉपर शेप रखता है, अमीबा की तरह नहीं। पहली बात, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यूग्लिना है। यूग्लिना इज द रिप्रेजेंटेटिव यूग्लिना एक कॉनिकल शेप रखने वाला लिविंग होता है। एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके पीछे की तरफ जो इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, फ्लैजिला कहलाता है। इसलिए ये फ्लैजिलेटा क्लास कहलाते हैं क्योंकि इनके सारे लिविंग जो होते हैं इनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होता है। देयर बॉडी शेप इज definite locomotion take place by flagella. Example, Trypanosoma, which you take parasite and it causes sleeping sickness, like disease cause kar do. अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि ये बेसिकली ट्राइपैनोसोमा एक फ्लाई होती है, टेस्टिस फ्लाई, उसके सलाइवा में होता है। तो अगर वो फ्लाई किसी इंसान को काट ले तो ये उसके जरिए इंसान की बॉडी में चला जाता है। ट्रांसमिट बाय बाइटिंग ऑफ Testis fly. Testis fly is it? Okay. The next class is ciliata. Third class. सिलेटा क्लास को हम एक नाम और दे सकते हैं, इसे हम सिलियोफोरा भी कह सकते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रामिशम। प्रामिशम इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी शेप is definite locomotion occur by cilia. अच्छा, इनमें न्यूक्लियस दो होते हैं, have two nucleus, डबल न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस।
मैक्रोन्यूक्लियस. अब मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है हमारे पास वो बेसिकली सेल्यूलर एक्टिविटीज कंट्रोल करता है. सेल्यूलर एक्टिविटीज कंट्रोल करता है. और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो लोकोमोशन करता है. तो दोनों अलग अलग किस्म की चीजों को कंट्रोल करते नजर आते हैं. इस ग्रुप के तीन पैरासाइट्स हैं मगर वो एंडोपैरासाइट्स हैं फ्रॉग के. वो डिजीज कॉज नहीं करते. जैसे बहुत सारे लिविंग्स की बॉडी में इवन हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लेकिन कोई डिजीज कॉज नहीं करते. तो वैसे ही इसके अंदर भी फ्रॉग के अंदर भी रेक्टम में कुछ पैरासाइट्स रहते बट वो डिजीज कोई भी कॉज नहीं करते. Blantatum, Opalana, Nyctotherus. Endoparasite of frogs. उसी तरह द लास्ट क्लास इज सॉरी फोर्थ क्लास इज क्लास सेक्टोरियल. सेक्टोरियल क्लास हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर्स ऑलमोस्ट अब दुनिया से खत्म हो चुके हैं. क्लोजली रिलेटेड टू सिलिएट्स young individuals are motile and have cilia. हाँ इनकी कहानी अजीब सी यह है कि जब ये पैदा होते हैं तो इनमें cilia होते हैं लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगते इनकी जो सीलिया है वो लॉस हो जाती. तो इनके बारे में इसलिए हम ये कहते हैं कि यार ये रिलेटेड टू सिलिएटा क्लास है. ये जब पैदा हुए तो इनमें सीलिया थे लेकिन बाद में इनके सीलिया लॉस होने शुरू एंड हैव सीलिया. व्हाइल एडल्ट्स आर society without cilia. Example आप दे सकते हैं एसिनेटर. ये बिल्कुल न्यूरॉन जैसा नजर आता है कुछ किसी बेस के साथ चिपका हुआ होता है. साइटोप्लाज्म जो होते हैं ना इसके बिल्कुल डेंड्राइट्स की तरह से स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं शिकार करने फूड पार्टिकल्स को कैच करने. चलिए क्लास स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ की आखिरी क्लास इसमें सब पैरासाइट्स. प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम इज द रिप्रेजेंटेटिव
consist all parasitic members, tamam ke tamam parasitic members, puri class. Acha ji, mostly डाइजेनिक पैरासाइट. देखिए जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोनोजेनिक. मोनोजेनिक पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये अपनी पूरी जिंदगी एक ही होस्ट की बॉडी में गुजारते हैं. डाइजेनिक का मतलब ये होता है कि वो पैरासाइट पहले ए लिविंग की बॉडी में होते, फिर वहां से मूव करके दूसरे लिविंग की बॉडी के अंदर चले जाते हैं. यानी वो अपनी जिंदगी दो अलग अलग किस्म के लिविंग की बॉडी में गुजारते हैं. और मोस्टली जो डाइजेनिक होते हैं, जो अपनी लाइफ को दो अलग अलग किस्म के होस्ट की बॉडी में गुजारते हैं, वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इनवर्टिब्रेट्स में गुजारते हैं और दूसरा हिस्सा वर्टिब्रेट्स के अंदर गुजारते हैं. तो अब ये कह सकते हैं कि वो डबल नेचर रखते हैं. मोस्टली डाइजेनिक पैरासाइट्स इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी में गुजारेंगे एक हिस्सा और फिर वहां से मूव करके वर्टिब्रेट्स की बॉडी में आ जाएंगे. जैसे मलेरिया है, मलेरिया पहले मॉस्किटो में होता है, वहां से मूव करता है. मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो पहले मॉस्किटो की बॉडी में होता है, वहां से मूव करता है तो इंसान की बॉडी में आ जाता है. तो पहला उसका उसने इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी में गुजारा, देन उसके बाद हमारी बॉडी. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जिंदगी का एक हिस्सा उसने गुजारा मॉस्किटो की बॉडी में, यानी फीमेल एनोफिल्स. और दूसरे हिस्से गुजारा मैन की बॉडी. उसी तरह से मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटिस कहलाता है. ओके, इसकी जिंदगी का एक हिस्सा गुजरता है अर्थवर्म में, सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म. और दूसरे हिस्से में ये कैटल्स की बॉडी पर चला जाता है. ठीक है जी, तो ये इसका वो हिस्सा मुकम्मल हुआ जिसकी बात हम करते हैं कि ये स्पोरोज़ुआ के, यानी प्रोटोज़ुआ का हमारे पास मुकम्मल. अब जरा देखते हैं प्रोटोज़ुआ के अंदर जो मलेरिया होता है, मलेरिया की लाइफ साइकिल किस तरह से मुकम्मल होती है, मलेरिया की लाइफ साइकिल किस तरह से प्रोसेस है. Life cycle of malaria parasite. अच्छा, इसका कुछ हिस्सा तुम लोगों ने एज में पढ़ा हुआ है. जब तुम लोगों ने इन्फेक्शियस डिजीजेस वाला चैप्टर किया था तो उसके अंदर जो फाइव डिजीजेस थी उसमें मलेरिया भी था. तो मलेरिया के लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा तुमने वहां किया हुआ, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं था जितना यहाँ पर है.
प्लाज्मोडियम ऐसा प्रोटोजोआ बिलोंग टू क्लास स्पोरोजोआ Plasmodium is an endoparasite. There are two hosts of प्लाज्मोडियम. एक हमारे पास होगा मेन और एक होगा हमारे पास फीमेल एनोफिल्स. एनोफिल्स द नेम उस मॉस्किटो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो. अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी होस्ट, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी होस्ट. रिप्रोड्यूस Asexually, इसके अंदर reproduce sexually, यानी जो plasmodium है इसमें asexual करता है उसमें sexually करता है. reproduce sexually. अच्छा जी, अब आ जाइए आप लाइफ साइकिल के ऊपर. पहले मैन में डिस्कस करते हैं. लाइफ साइकिल इन मैन, तो पहला स्टेज आएगा प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज. फेज, ये फेज मुकम्मल होता है लीवर. देखिए, सबसे पहले काम ये होता है कि जैसे ही मॉस्किटो फीमेल एनोफिल्स इंसान को बाइट करती है तो उसके सलाइवा में जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, सलाइवा में जो स्पोर्स होते हैं वो चले जाते हैं इंसान के जिस्म. तो स्पोरो जोआइट्स मूव कर गए फीमेल एनोफिल्स के जरिए ह्यूमन के ब्लड. मॉस्किटो ने इंसान को बाइट किया और ये छोटे छोटे स्पोरोजोआइट चले गए, यानी जो स्पोर्स थे प्लाज्मोडियम के वो चले गए इंसान के ब्लड. ब्लड में जाने के बाद ये मूव कर जाएंगे इंसान के लीवर, ह्यूमन लीवर. लीवर में जाने के बाद ये अपनी एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं जिसे हम नाम देते हैं शिज़ोगोनी. राउंडेड हो जाता है, बिल्कुल राउंड, तो ये बन जाता है शिज़ोंट. मल्टीप्लाई होंगे तेजी के साथ, नाम देंगे हम इनको क्रिप्टोसाइट्स.
ऐसे कलाम और भी दे सकते हैं आप, एक्सक्रीट्रो सॉरी साइटिक मेरोसोसाइट्स। अच्छा जी, इसमें एक बार फिर से शीजो कौन ही होगा? शीजो कौन ही इज अनदर नेम ऑफ बाइनरी फिशन, तेजी के साथ रिप्रोड्यूस हो, और ये बन जाएगा आप मेरे पास मेटा क्रिप्टोसाइट्स। और ये मेटा क्रिप्टोसाइट्स सीधा सीधा इंसान के ब्लड में चले जाएंगे, यानी ह्यूमन ब्लड। लीवर में वो सिर्फ इसलिए आए थे ब्लड से निकलकर ताकि वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सके, क्योंकि लीवर के अंदर ग्लूकोज होता है, तो तेजी से उन्होंने खुद को यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर लिया क्योंकि तादाद ज्यादा से ज्यादा हो गई। अच्छा जी, अब जैसे वो इंसान के ब्लड में मूव किए, स्टेज चेंज हो जाएगा, दूसरा स्टेज शुरू हो जाएगा जिसे हम नाम देते हैं एरिथ्रोसाइटिक फेज। एरिथ्रोसाइटिक फेज हमेशा आरबीसीज में, मेटाक्रिप्टोसाइट्स आरबीसीज राउंडेड होकर ट्रोपोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे। तो कि मैं आपको उसका डिटेल में बता देता हूँ, वरना ये ऑपरेशन होता ये है कि जब ये रेड ब्लड सेल्स में आते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स में आने के बाद इनके अंदर मैच्योरेशन का प्रोसेस शुरू होता है। मैच्योरेशन के लिए सबसे पहला स्टेज ये होता है कि इनकी शेप में जरा सी तब्दीली आना शुरू करती है, ये राउंड से रिंग स्टेज बनना शुरू होता है, यानी कि न्यूक्लियस कॉर्नर पे आना शुरू हो जाते हैं, तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं रिंग स्टेज। सो पहले ये बनाते हैं रिंग स्टेज। रिंग स्टेज उसके बाद इनकी शेप में और तब्दीली आती है, ये अमीबा जैसी शेप में आ जाती है। तो ये कहलाती है अमीबॉइड स्टेज। एंड देन उसके बाद ये अपनी नॉर्मल राउंड शेप में आते हैं, और अब ये आपको नुकसान दे सकते हैं, ये शेप हमारे पास कहलाती है ट्रोफोजोइट्स। अब हर ट्रोफोजोइट एक एक रेड ब्लड सेल में एंटर होगा, रेड ब्लड सेल में दाखिल होकर खुद को मल्टीप्लाई करेगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा वो रेड ब्लड सेल फटना शुरू हो जाएगा। रेड ब्लड सेल के फटते ही ये दोबारा बाहर निकलेंगे, फिर से नए रेड ब्लड सेल में एंटर हो जाएंगे। ऐसा ऐसा करके इतनी तेजी से रेड ब्लड सेल फटना शुरू हो चुके होंगे कि बॉडी में पहली सिम्टम आएगी, यानी शेवरिंग आना शुरू हो जाएगी। शेवरिंग साथ ही शेवरी के साथ ही फीवर स्टार्ट हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा नहीं होगा बट एक अच्छा होगा, लाइक 102 103 के करीब होगा। फिर शेवरी के साथ ही बॉडी की कंडीशन और बिगड़ना शुरू होगी, और शुरू हो जाएगा उसके बाद फीवर 104 105। मोस्टली तो फीवर से डेथ हो जाती है, लेकिन अगर कोई पर्सन फीवर से बच गया, मतलब ये बात कर रहे हैं कि उसने दवा नहीं लिया, तब की बात होगी। अगर फीवर से बच गया तो फिर तीसरे स्टेज में दाखिल हो जाएगा, तीसरे स्टेज का नाम है पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज। अगेन लीवर में, क्योंकि
चार दिन गुजारने के बाद अगर चार दिन तक इंसान बच गया तो ये मेरोजोजोइट सॉरी ये ट्रोफोजोइट इंसान के लीवर में आ जाएंगे और लीवर में आकर दो तरह के गैमेट्स बनाएंगे, यानी गैमेटोगोनी होगा। गैमेटोगोनी में दो तरह के गैमेट बनाएंगे, एक बनाएंगे मेल गैमेट, एक बनाएंगे फीमेल गैमेट। और यहाँ पे लीवर फेलियर हो जाएगा जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाएगी। हम जो इसके लिए दवा लेते हैं वो दवा लेते हैं क्लोरोक्विनोन। अब देखिए इसकी दो दवाइयां आती हैं, एक दवा आती है क्लोरोक्विनोन, एक आती है मेफ्लोक्विनोन। मेफ्लोक्विनोन बहुत महंगी, क्लोरोक्विनोन थोड़ी सस्ती। अगर आप क्लोरोक्विनोन लेते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो आपके ब्लड में खत्म होना शुरू कर देते हैं, लेकिन बॉडी में गैमेट्स जो बने हुए होते हैं वो गैमेट्स रह जाते हैं। और अगर आप मेफ्लोक्विनोन ले लेंगे तो मेफ्लोक्विनोन की वजह से ट्रोफोजोइट्स तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन जो गैमेट्स बनेंगे गैमेट्स भी खत्म हो जाएंगे। तो मेफ्लोक्विनोन इस हवाले से ज्यादा अच्छी दवा होती है, लेकिन चूंकि वो एक्सपेंसिव होती है और जाहिर है उसको इस्तेमाल करना कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद तो खुद को बचाना है। सो डेट्स व्हाई आमतौर पर क्लोरोक्विनोन यूज की जाती है। और इसका हमें फायदा मलेरिया में तो होता ही है, लेकिन अभी हमें कुछ अर्से पहले पता चला कि कोरोना के अंदर भी हमें इसका बहुत फायदा हुआ कि उन लोगों की बॉडी पर जिनको कभी मलेरिया हो चुका हो और उन्होंने क्लोरोक्विनोन इस्तेमाल की भी हो तो उनके ऊपर कोरोना का असर बहुत कम होता है। एक नेचुरल इफेक्ट आया। जैसे मौजूदा टाइम पीरियड में कोरोना के लिए जो दवाई यूज की जा रही है वो भी क्लोरोक्विनोन है। अच्छा जी, मॉस्किटो में क्या होगा? लाइफ साइकिल प्लास्मोडियम इन, बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। हाँ जी, लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। मॉस्किटो में क्या होगा? ये कि आपकी बॉडी में जो गैमेट्स रह गए वो वैसे ही रहेंगे, और जब मॉस्किटो कोई दूसरा मॉस्किटो कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे मतलब चाहे महीनों के बाद आपको बाइट करेगा और आपके ब्लड को सक करेगा तो वो गैमेट्स उसकी बॉडी में चले जाएंगे। जो उसने आपके बॉडी से निकाला है उसमें है माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट जो उसने आपके ब्लड से सक किया। ये उसकी बॉडी में जाकर कन्वर्ट होगा मेल गैमेट में और ये उसकी बॉडी में जाकर कन्वर्ट होगा फीमेल गैमेट। ये फ्लैजिलेटेड है यानी मोटाइल है, ये ससाइल, और ये प्रोसेस कहलाता है गैमेटोगोनी। उसी बॉडी में गैमेट्स मैच्योर, फिर उसकी बॉडी में एक दूसरा प्रोसेस होगा जिसे हम नाम देंगे साइनगैमी। साइनगैमी में क्या होगा कि जो मेल गैमेट होगा और जो फीमेल गैमेट होगा इन दोनों के मिलने से बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट का ओसाइट भी कहते हैं। ये जो जाइगोट बनेगा ये चला जाएगा स्पोरोगोनी के प्रोसेस में, और इस जायगोट से स्पोरोजोइट्स बनने का प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्पोर्स बनने लगेंगे जो कि स्टोर हो जाएंगे इन सलाइवा कि ये मॉस्किटो फिर से किसी को काटे तो ये फिर से उसकी बॉडी में चले जाए। इंसान की बॉडी में लाइफ साइकिल चली है ऑलमोस्ट वन वीक,
और मॉस्किटो की बॉडी में से 15 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से स्पोरोसाइट तैयार हो चुके हैं। तो बेटा ये है हमारे पास मलेरिया की लाइफ साइकिल। यहां तक किसी का कोई सवाल तो पहले बताइए। अच्छा जी, मैं आज यहीं तक रख रहा हूँ, थोड़ा जल्दी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं क्या कह रहा था, कल मैं क्लास नहीं लूंगा। कल मैं क्लास एक्चुअली मैं मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा बिजी हूँ एक सेमिनार में, तो कल मैं मॉर्निंग में नहीं ले सकता। तो अब आप मुझे खुद ये बता दीजिएगा ग्रुप पर कि इस पूरे वीक में आपके लिए कब ऑनलाइन मुमकिन है, सुबह दोपहर शाम जब मुमकिन है। कल शाम को हो सकती है, परसों सुबह हो सकती है, परसों रात भी हो सकती है। कल सुबह मैं बिजी हूँ यार, सेमिनार के अंदर मीटिंग है मेरी, तो वहाँ में पता होगा, ठीक है। तो बोथ ज़ैनब एंड मिस्टर आज़म आप लोग मुझे बता देंगे कि आप जो हैं वो कब मुमकिन है आपके लिए क्लास लेना। सिर्फ कल का इशू है, तो कल की रिप्लेस क्लास को आप लोग इस पूरी वीक में किसी भी दिन एडजस्ट करके मुझे बता दीजिए, मैं उसका ना उस क्लास को एडजस्ट कर, ठीक है। मॉर्निंग में जाए तो अच्छी बात है, दोपहर में होती तो भी देख लेंगे, शाम में होगी तो उसको सेट कर लेंगे, ओके। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई जरा। शुरू से बोलता हूँ मैं, एक मिनट मैं इसको बंद करके दोबारा कर रहा हूँ ताकि जो बीच में लिखा हुआ है प्लीज मूव द विंडो अवे फ्रॉम द शेयर एप्लीकेशन। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं इसको बंद करके दोबारा, अरे आया तू, चलो जी उसके साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चेंज करता जाऊंगा। टिकट Thank you.
ओके ये स्क्रीनशॉट्स हो गए भाई सीखे। अच्छा जी अब बेटे इसको इस चैप्टर का एक टॉपिक पूरा हुआ है ना ये, तो अभी हमें करना है प्रिमिटिव फंजाई और एलजी। कल वाली क्लास का मैं रिपीट कर देता हूँ कि कल सुबह वाली क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिए इस वीक के अंदर, जिस दिन आप लोग फ्री हैं सुबह दोपहर या शाम उसको एडजस्ट करके मुझे बता दीजिए, मैं उसी दिन उस क्लास को अरेंज कर लूंगा। नेक्स्ट वीक क्लास बिल्कुल प्रॉपर टाइम के अंदर ही, ठीक है? एनी इशू एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ओके मेरे बच्चों, चलो भाई अल्लाह हाफिज़।